किसान को नहीं मिल पा रहा पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ। वर्ष 2019 से सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के काट रहा चक्कर। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की गई शिकायत को दबाव डालकर कराया बंद। पीएम सम्मान निधि योजना से किसान आज भी वंचित। सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हैं, इस बात की सच्चाई अब सामने आने लगी है। गलती सरकारों की और सरकार की योजनाओं की नहीं, गलती सरकार में बैठे सरकारी सिस्टम की है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। गलती उन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की है जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनकर दफ्तरों में अंगद के पैर की तरह कुर्सियों पर बरसों से जमे बैठे हैं। मामला केंद्र सरकार की किसानों के लिए संचालित पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है और यह मामला सागर जिले की देवरी क्षेत्र के एक छोटे से किसान से जुड़ा हुआ है जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए चालू की गई सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए उक्त किसान पिछले 3 वर्षों से विभाग के चक्कर ही काट रहा है और किसान को बदले में सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। हम बात कर रहे हैं सागर जिले की देवरी विकास खंड के एक छोटे से किसान देवेंद्र पिता सरमन लोधी की, जो मौजा ग्राम पटना सिंहपुर में पटवारी हल्का नंबर 50 में खसरा नंबर 22/2 एवं खसरा नंबर 62 में करीबन 2 एकड़ का भूमि स्वामी का काश्तकार होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उक्त किसान के द्वारा समस्या के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका शिकायत नंबर है 1497-1198। नंबर पर समस्या की शिकायत दर्ज कराने के बाद राजस्व विभाग देवरी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ पांडे जी के द्वारा किसान को ऑफिस में बुलाकर उस पर दबाव डालकर शिकायत बंद करा दी गई और सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। फिर भी किसान के हाथ निराशा ही हाथ लगी। फिर किसान के द्वारा देवरी राजस्व कार्यालय में तहसीलदार महोदय और SDM महोदय के यहाँ पुनः लिखित शिकायत पत्र दिनांक 3/8/2021 को दिया गया, जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देवरी राजस्व विभाग में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों का ज़्यादातर स्टाफ स्थानीय होने के कारण विभागीय कार्यों में मनमानी का आलम देखा जा रहा है। वहीं विकास खंड के हलकों में पदस्थ पटवारियों के द्वारा किसानों व आम लोगों से कार्य करवाने के एवज में लूट घसोट का कार्य किया जाता है। बगैर सुविधा शुल्क के लिए ना तो पटवारियों की कलम चलती है और ना ही कर्मचारियों के द्वारा उनकी अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है। दर्जनों किसानों और आम लोग राजस्व विभाग से संबंधित कार्य करवाने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। कभी सर्वर डाउन और कभी लिंक फेल होने का बहाना बताया जाता है तो कभी तारीख बढ़ाकर समय सीमा दे दी जाती है। विभाग में आलम यह है कि बैनामा पास कराने के लिए जहां पटवारियों के द्वारा सुविधा शुल्क वसूली जा रही है, तो वहीं बाबू और कर्मचारियों के तेवर देखकर विकास खंड का हर किसान और आम आदमी त्रस्त हो चुका है। भाई क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? सर हमारा नाम देवेंद्र सिंह लोधी है, पटना सिंहपुर के हैं हम, हल्का नंबर 50। और जो किसान सम्मान निधि है वो हमारे लिए नहीं मिलती। हम 2-4 बार तहसीली गए, पटवारी जी के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, लेकिन हमारे लिए किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। और ये मैं आवेदन रखे हैं SDM साहब के थे और तहसीलदार साहब के लिए SDM आवेदन दिए थे। ये आवेदन दिए थे हमने 3/8/2021 में, और वो भी बोलते हैं कि आपकी किसान सम्मान निधि आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। 2018 से हम कई बार इन लोगों के यहाँ जा चुके हैं, और जो कंप्यूटर वाले हैं पांडे जी उनके यहाँ भी गए थे, CM हेल्पलाइन शिकायत की, तो पांडे जी ने कहा कि आप शिकायत वापस ले लो, आपकी किसान सम्मान निधि आ जाएगी। 2-3 बार उनने कहा तब नहीं ली, फिर उनने कहा कि आ जाएगी अब ले लो वो, तो मैंने शिकायत वापस ले ली और अभी तक हमारी माने किसान सम्मान निधि नहीं आई। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो, किसकी गलती है, क्या कमी क्या बताते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि आ जाएगी, बस यही कह देते हैं कि आ जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं कहते।